सीरियल गुमें किसी के प्यार में 5 साल बाद पहुंचेगा सभी का बेटा अनजाने में अपने ही घर। जी हां दोस्तों, एनिमल ट्रैक में देखने को मिलेगा शो में 5 साल का लीप, जहां पर सभी IAS ऑफिसर बनकर पहली पोस्टिंग पुणे में लेते नजर आएगी। जी हां दोस्तों, 5 साल बाद यहां पर जो उसकी पोस्टिंग होने वाली है प्रमोशन के तौर पर, वो होगी पुणे में और अपने बेटे को लेकर पहली बार वो फिर से पुणे पहुंचती है, जहां पर सभी पहले से डरी होती है कि वो नहीं चाहती कि वो पुणे में फिर से आए, क्योंकि इस शहर ने उसको काफी तकलीफें दी हैं और वो तकलीफें अब उसका बेटा भी फेस करे और कहीं उसका वो असली परिवार से सामना ना हो जाए। हरिनी यहाँ पर साफ कहती है कि सभी तुम्हें बार बार ही समझाने की जरूरत पड़ती है कि ये उसका खुद का जो शहर है, देखने को मिलने वाला जैसे तैसे सभी शहर में जरूर आने वाली है। और यहाँ पर किस्मत का खेल ये होगा कि चिन्मय का बेटे और सभी के बेटे में दोस्ती हो जाने वाली, और इसी तरह से यहाँ पर चिन्मय का बेटा अब लेकर पहुँचेगा अपने दोस्त को अपने घर। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है सभी के बेटे को अपने दोस्त चिन्मय का बेटा अपने ही घर लेकर जाएगा, जहाँ पर को एक फेस्टिवल की तैयारियाँ चल रही होती है और देखने को मिलने वाला है किस तरह से यहाँ पर जो इसका स्वागत हो जाता है, गृह प्रवेश हो जाता है। ईश देखने को मिलता है कि उसके बेटे को यानी ईशान को सभी के बेटे को ठोकर लगती है और ईशान उसे बाहों में उठाकर अपने घर में गृह प्रवेश करवाता है, जैसे सभी का करवाया था। ये सब देखकर यहाँ पर घर वाले भी शॉक्ड हो जाते कि किसका बच्चा है। वहीं पर शिखा से अस्मिता ये कहती है कि ये तो बिल्कुल सभी की जैसी परछाई दिख रहा है और सभी के जैसे ही उसका गृह प्रवेश हुआ, कहीं हमारा इससे कोई रिश्ता तो नहीं। और देखने को मिलेगा काफी इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर शोमेकर्स दिखाएंगे, जिससे साफ झलक जाएगा कि आखिर इस छोटे से बच्चे का ईशान उस परिवार से क्या रिश्ता है। और वो सब यहाँ सबके पेड़ छूते नजर आएगा और दिखा देगा सभी की झलक सबको।